कि आज के डेट में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ एग्जिस्ट करती है, इसको हमको अच्छे तरीके से समझना होगा। दो तरह की दुनिया होती है। पहली दुनिया जो होती है वो होती है आउटर वर्ल्ड की, दूसरी दुनिया जो होती है वो हमारे इनर वर्ल्ड की होती है। हम लोग जितने भी प्रॉब्लम्स देखते हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो सारी समस्या कहाँ पे आती है? आउटर वर्ल्ड में आती है। ये सारी समस्या कहाँ थी? कस्टमर आपसे मिसबिहेव कहाँ कर रहा है? आउटर वर्ल्ड में कर रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स आती है, पढ़ाई में दिक्कत आती है, वो कहाँ आती है? आउटर वर्ल्ड में आती है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, सारी चीजें, दुनिया की सारी चीजें, हमको छोड़ के जो दुनिया में सारी चीजें घटित होती हैं, उसको हम लोग आउटर वर्ल्ड कहते हैं। और इनर वर्ल्ड में अपने आप में एक अनंत ब्रह्मांड छुपा हुआ है, और हमें आउटर वर्ल्ड में हम सारी जितनी भी हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सारे लोगों का फोकस होता है आउटर वर्ल्ड में। और आज हम लोग बात करेंगे इनर वर्ल्ड की। इनर वर्ल्ड में क्या होता है, इस इनर वर्ल्ड में क्या क्या घटनाएं चलते रहती हैं, आज इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और इस चर्चा में जानेंगे कि अगर इनर वर्ल्ड को सही कर लिया जाए तो क्या आउटर वर्ल्ड सही हो सकता है। बस इस तथ्य को अच्छे तरीके से, इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत क्या होती है? पैसा, सक्सेस, नेम एंड फ्रेम। लेकिन वो क्या कारण है कि लोगों को ये सारी चीजें नहीं मिलती है? क्योंकि हम लोग अपनी समस्याओं का कारण बाहर तलाश करते रहते हैं, हम लोग अपने अंदर नहीं जाते हैं कि हमें अंदर जाके आखिर वो क्या काम करने होंगे जिससे हम वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। और हम अपने मानव होने का, हम अपने इंसान होने का वो सारी भूमिका निर्वहन कर सकते हैं। यूं तो हम लोग पाना सब कुछ चाहते हैं, लेकिन उस पाने की प्रोसेस में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि आज हमारी इनकम 8,000 है, 15,000 है, 25,000 है, 50,000 है, 1,00,000 रुपया है, 1,00,000 रुपया महीने का है, जिस भी लेवल पे आप बैठे हो, बड़े ध्यान से समझना इस बात को, हम जिस भी लेवल पे हैं या हमारा जॉब स्टार्ट होने वाला है, हमें चाहिए क्या आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में? ये बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। मान लीजिए अगर 20 साल का एक लक्ष्य लेते हैं, तो 20 साल में अगर फॉर अभी अभी पैसे के हिसाब से देखा जाए, तो 20 साल में सिर्फ इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे बात समझ में नहीं आएगी, तो मैं उस बात को समझाने के लिए आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि 20 सालों में फॉर एग्जाम्पल आप 5,00,000 रुपये महीने पर पहुँचना चाहते हो। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, सारे रहस्य की कुंजी आपकी यहीं पर छुपी हुई है। 20 साल में, हम आने वाले 20 साल में 5,00,000 रुपया महीने पे पहुंचना चाहते हैं। तो उस 20 साल में 5,00,000 रुपया महीना पे जब हम पहुंचेंगे, और यही एक यच प्रश्न सारे लोगों के मन में सवाल कौनते रहते हैं कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए, जो सबसे बड़ा सवाल है। तो उस सवाल का जवाब मैं आपको बहुत आसान तरीके से दूंगा। जो हमें 20 साल बाद चाहिए, जो हम बनना चाहते हैं, क्या हम उसके काबिल हैं अभी? हमेशा कहा गया है, हमेशा हम लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, करियर के पीछे भागते रहते हैं, हर चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन अगर बिना सोचे समझे अगर हम भागें, कहीं पे भी भागें, तो एक जानवर में और एक इंसान होने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सबसे बड़ा सवाल क्या है? हमें जो 20 साल बाद बनना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? बड़े ही ध्यान तरीके से सोचिएगा। हम बनना चाहते हैं 5,00,000 के आदमी, और सोच रखते हैं 8,000 के। यही सबसे बड़ी फॉल्ट है। अगर हमें 5,00,000 का आदमी बनना है, तो हमें अपने आप को खत्म करना होगा, जीरो। जो हम जानते थे, ध्यान से समझिएगा, जो हम जानते थे गलत है, जो हमने सोचा वो गलत है, जो हम कर रहे हैं वो गलत है। अगर हमें 20 साल के बाद अगर तरक्की करनी है, अगर लाइफ में आगे अगर हमें जाना है, तो जाहिर सी बात है मैं अभी उस काबिल नहीं हूं। बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे भगवान भी सोचते हैं हमेशा कि तुझे 1,00,00,000 रुपए चाहिए, मैं तुझे दे तो दूं, लेकिन तू संभाल नहीं पाएगा, कहीं तेरा हार्ट अटैक ना हो जाए। मैं तुझे बहुत सारी चीजें दे सकता हूं, बहुत सारे, एक बहुत अच्छे तरीके से लाइन है, अक्सर प्रेमी प्रेमिका कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं, लेकिन तारा तुम रखोगी कहां? पृथ्वी तो इतनी छोटी है, तारा इतना बड़ा है, कहां रख सकते हैं? तो दोस्तों, जब तक हम उसके काबिल नहीं बन सकते हैं, बड़ा ही एक कन्फ्यूजन है और बड़ा ही एक पैराडॉक्स है। इस पैराडॉक्स से हम सारे इंसान को निकलने की जरूरत है। अपने सोच के लेवल पे, अपने इनर वर्ल्ड के लेवल पे, अपनी जो हमारे अंदर एक पूरी सृष्टि संभाई हुई है, अगर हम उससे रिएक्ट करके, उससे बातचीत करके और उसके बारे में अगर जाने, तो हम जो सोचते हैं बड़े ही मासूम तरीके से सोचते हैं। हमें जो बनना है उसके लिए इसका मिटना जरूरी है। ध्यान से समझिएगा, इस लाइन को नोट कर लीजिएगा।
जो हम बनना चाहते हैं अगले 20 सालों में, सच में अगर बनना चाहते हैं, सच में अगर कामयाब होना चाहते हैं, अगर मैथ में आपको यकीन है, साइंस में अगर यकीन है आपको, तो दो और दो हमेशा चार ही होते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैथ का फॉर्मूला चलता है, और मैथ के अलावा बाइनरी कोड के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। उस कोड को हमको पढ़ना होगा, उस कोड को, उस ऑलमाइटी के कोड को, जो ब्रह्मांड लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे वो जो बाइनरी कोड चलती है 01010101, इस कोड को हमको डिकोड करना होगा। और जब तक वो डिकोड करने की क्षमता आपके अंदर नहीं आएगी, आप यकीन मान लो कितना भी आप छटपटा लो, आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। बड़ा ही लंबा पैराडॉक्स है। हम सारे लोग जानते हैं कि हमारे पास ज्ञान की असीम गंगा है। सारे लोगों को यही एक गलत फहमी हुई पड़ी है, पूरी दुनिया, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग इसको इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में एक गलत फहमी छाई हुई है कि मैं समझदार और सामने वाला बेवकूफ। अब बड़ा ही लंबा पैराडॉक्स इस विषय में चला हुआ है। अगर सच में हमें कामयाब होना है, सच में हमें आगे जाना है, सच में हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करना है, सच में अपने जीवन में ऐसा सुधार लाना है, तो ध्यान से मेरी बात सोच लीजिए कि जो आप बनना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो अभी आपको अपने आप को मार देना होगा, अपने आप का कत्ल कर देना होगा। बिना इसके आप एक नया जन्म आपका हो ही नहीं सकता। हमें अपने आप को मार के हर लेवल पे अपने आप को चेंज करना होगा। जाहिर सी बात है, अगर मेरे अंदर काबिलियत होती, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे इगोस्टिक है, मैं सिर्फ आपके लेवल पे नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लेवल पे भी कह रहा हूँ, अगर मैंने आज अपने आप को नहीं बदला तो मैं सिर्फ यहीं तक रह जाऊंगा। मुझे आने वाले 20 सालों में अपने आप को पूरा चेंज करना होगा। ये इसके सोनी आपको नजर ही नहीं आएगा। अगर मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने आप को मारना होगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, अध्यात्म के लेवल पे हो, धर्म के लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, हर लेवल पे अपने आप को चेंज करना होगा, लेवल को अपने क्रॉस करना होगा। हमें बदलना होगा अपने जज्बात को। आप यकीन मानिए, 5 लाख रुपया कमाने वाला व्यक्ति, जो जज्बात हमारे पास है वो जज्बात उसके पास नहीं होंगे, हमसे बेहतर जज्बात होंगे उसके पास। यस, मेरी बात समझ में आ रही है। हमें बदलना होगा अपने मेहनत के लेवल पे। क्या 5 लाख रुपया कमाने वाला आदमी 5 लाख इसी तरह बना जा सकता है? अगर हमें सच में आगे बढ़ना है, 5 लाख 1 लाख दो कुछ भी रुपए महीने कमाने हैं, मैं पैसे का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ जाए, जो मेहनत हम अभी करते हैं, क्या हम 5 लाख रुपया महीना डिजर्व करते हैं? 5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए सिर्फ इस मेहनत से बेटा काम नहीं चलेगा। 5 लाख रुपया कमाने के लिए मेहनत हमें ठोस करनी होगी। किस किस लेवल पे? जज्बात के लेवल पे, मेहनत के लेवल पे। जिम्मेदारी आपकी वही होती है, जो सोच, जिम्मेदारी, सोच, आइडियोलॉजी, ये समझने की जरूरत है। अगर सच में हमें आगे बढ़ना है, सच में हमें सक्सेस बनना है, सक्सेसफुल बनना है, आप जहां पे भी हो वहां से जिम्मेदार होना स्टार्ट कर दो। आप जहां से भी खड़े होते हो, लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, खुद जिम्मेदारी लेना स्टार्ट करो। आपके सक्सेस होने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पूरे दुनिया में अगर किसी पर्सन की है तो वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है कि आप सक्सेसफुल हो। आप जहां पे भी खड़े हो, आप अपने आप को कंपनी मानो, आप अपने आप को बॉस मानो, आप अपने आप को सीनियर मानो, आप अपने आप को जूनियर मानो, और वहीं से जिम्मेदारी लेना स्टार्ट करो। भी दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, सामने वाला और पूरी दुनिया अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये जिम्मेदार व्यक्ति है। सबसे पहले आपको जिम्मेदार होना होगा, सबसे पहले आपको वो जिम्मेदारी लेनी होगी, उस तरह की जिम्मेदारी लेनी होगी कि जिस तरह की जिम्मेदारी मैं लेके चलता हूँ। आप, मैं सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। एक डॉक्टर हमेशा डॉक्टर क्यों बनता है? एक इंजीनियर हमेशा इंजीनियर क्यों बनता है? एक साइंटिस्ट हमेशा साइंटिस्ट क्यों बनता है? क्या वो पहले साइंटिस्ट बना, बाद में उसने पढ़ाई की? क्या एक डॉक्टर ने पहले डॉक्टर बना, फिर उसने पढ़ाई की डॉक्टरी की? क्या एक इंजीनियर पहले इंजीनियर बना, फिर उसने पढ़ाई की? और यहीं पे आपको समझने की जरूरत है कि यस कहाँ पे बोलना है। यस बोलने के लिए आपको वहां से स्टार्ट करना होगा कि पहले हमें एजुकेशन लेनी होगी, उसके बाद हमें डिग्री मिलेगी, उसके बाद हम प्रैक्टिस अपनी चालू कर पाएंगे। आप शुरू में यहाँ पे नहीं आओगे, आपको उस प्रोसेस से होके गुजरना होगा, हार्ड प्रोसेस होके गुजरना होगा। आपको अपने काम पे विश्वास करना होगा, आपको अपनी आस्था पे विश्वास करना होगा। दो तरह की चीजें होती है लाइफ में, एक होती है हमारी धार्मिक आस्था और एक होती है हमारे काम करने की आस्था। आप कैसे अलाउ कर सकते हो कि कोई भी इंसान, ऐरा गहरा इंसान आए और आपके काम करने की आस्था पे प्रहार करके चला जाए? अगर आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम हो, अगर आप हिंदू हो तो हिंदू हो, अगर आप ईसाई हो तो आप ईसाई हो, आप जो भी हो, ये आपकी धार्मिक आस्था है, पूरी आपकी आजादी है, आप उस आस्था पे कायम रहिए। जब बात आती है काम की, तो आपकी काम की आस्था से कौन सा ऐसा चीज है, कौन से ऐसे विचार हैं जो आपके काम से खिलवाड़ करके चला जाता है? दैट्स वाई हम वो चीजें हासिल नहीं कर पाते हैं जो हम सच में हासिल कर सकते हैं। आपको कमिटेड होना होगा। वी आर इन 21st सेंचुरी, आज के डेट में वैज्ञानिक जमाना है, बट वैज्ञानिक जमाने के साथ साथ हमें अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी होगी। जो हम हैं सो हैं, जो हमने काम चुना अपनी मर्जी से चुना, अगर इस काम को करना है
तो अभी करना है, अगर इस काम को छोड़ना है तो अभी छोड़ना है। लेकिन अगर हमने किसी काम को पकड़ लिया तो फिर उस काम को कोई भी इंसान, कोई भी विचार, कोई भी परिस्थिति उस काम को बदल ना दे, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। और हमेशा याद रखिए, लास्ट में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि पुरस्कार, पोजीशन, पैसा, पावर, हर चीज अंत में मिलती है, शुरुआत में आपको मेहनत करनी।